विकास सेंटर में किसी आ सकती है, मोदी की कांग्रेस की कांग्रेस मोदी सेंटर मोदी आओ हिसार में कुलदीप बिश्नोई को जोड़ो कुलदीप टक्कर रहेगी एक तरफा टक्कर होगी टक्कर तरफा होगा टक्कर रहेगी किस किस की होगी टक्कर कुलदीप की और जीतेगा कौन जब अशोक मंगाली वाला नाम जो है सामने आ रहे मंगाली वाला अशोक मंगाली वाला चलिए हाँ जी अरे अशोक मंगाली वाला है क्या लगता है अशोक की बात है अच्छा। गोयल बोल ना सही है कांग्रेस बढ़िया पार्टी है भाई साहब लोकसभा चुनाव आने वाले क्या माहौल नजर आ रहा है बात करे तो जी हम तो मोदी में जाएंगे वोट और मोदी आओ कौन उम्मीदवार किसको वोट दोगे भारतीय जनता पार्टी मोदी वाली सरकार को अच्छा उम्मीदवार की बात करें उम्मीदवार से किसा ही काना लोगड़ा किसा ही कर दो उम्मीदवार कैप्टन भूपेंद्र सिंह की उम्मीद है निसार से हाँ। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जेपी हाँ रहेगी एक तरफा रहेगा मुकाबला एक तरफ नहीं एक तरफा मुकाबला बीजेपी नया गाँव विधानसभा क्षेत्र उकलाना लोकसभा क्षेत्र हिसार हमारी टीम पहुंची है आज नया गांव सर्वे करने जिस तरह से बाकी विधानसभाओं के सर्वे भी आपको दिखाए हैं फिलहाल पहुंचे हैं उकलाना विधानसभा में सर क्या लगता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं क्या माहौल नजर आ रहा है बात करें तो जी हम तो मोदी देंगे वोट मोदी क्या लगता है हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कौन हो सकता है मोदी आओ कौन उम्मीदवार उम्मीदवार को हम मोदी ने वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी किसको वोट दोगे भारतीय जनता पार्टी को मोदी वाली सरकार को अच्छा उम्मीदवार की बात करें उम्मीदवार से किसा ही काना लोगड़ा किसा ही कर दो बस हम तो उसको ही वोट देंगे मोदी ने तरक्की करा रखी है पढ़े लिखे लोग है नहीं मोदी के है और जो अनपढ़ अगुवार उसको कुछ नहीं पता मोदी ने देश को ऊंचा उठाया है देश के लिए तरक्की कराई है है? ये उग्रवाद फैला रहे ये खालिस्तान बनाने वाले हमारे लोग बहुत पागल है उनके साथ लग रहे कुछ तत्व है क्या लगता है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आ सकती है नहीं आ सकती कांग्रेस ने 70 साल राज किया कुछ नहीं किया जी इसने 10 साल में ऐसे चमका दिया है मोदी जैसा राजा होना भी चाहिए बिल्कुल सही है ये तो राजा मोदी आवेगा अच्छा और नीचे तो कांग्रेस के बड़े भाई कुछ रली मिली हो आ सकते है कांग्रेस चलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आ सकती है क्या लगता है सर चुनाव की बात करें तो सेंटर में किसकी सरकार रखती है बीजेपी कांग्रेस मोदी की और हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मोदी उम्मीदवार कोई नाम उम्मीदवार कोई नाम नहीं नाम का कोई पता नहीं लेकिन वोट जो है बीजेपी को डालना चाहिए क्या लगता है सर चुनाव में कौन आ सकती है बीजेपी हाँ हाँ कौन है कौन आ सकती है चुनाव में बीजेपी से आ सके वोट किसको दोगे कोई उम्मीदवार का नाम आप चाहते हो कि वो उम्मीदवार जो हो आओ नाम सामने आ रहे जैसे कुलदीप बिश्नोई रणवीर गंगवा कैप्टन अभिमन्यू कैप्टन भूपेंद्र क्या लगता है चलिए फिलहाल और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं क्या सकता है चुनावी माहौल का सर्वे सर आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है चुनावी माहौल क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कौन उसका उम्मीदवार कैप्टन भूपेंद्र सिंह की उम्मीद है हिसार से अच्छा हिसार से हाँ। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जेपी हाँ। रहेगी एक तरफा रहेगा मुकाबला एक तरफ नहीं एक तरफा मुकाबला बीजेपी क्या लगता है कौन रहेगा मैंने नाम जो है सामने आ रहा है क्या लगता है सर आपसे जानना चाहूंगा गांव का विकास की बात करें विकास किस तरह से हो रहा है भाई विकास तो हमारे तो मोदी करे मोदी हाँ और किसको दोगे फिर वोट की बात करें मोदी नहीं देवांगे और हिसार से बात करें लोकसभा चुनाव कौन हो सकता है उम्मीदवार हिसार में जो सावागा उसे नहीं देवांगे एक उम्मीदवार जैसे नाम सामने आ रहे कुलदीप बिश्नोई रणवीर गंगवा कैप्टन अभिमन्यु कैप्टन भूपेंद्र क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई हाँ भाई नाम मोदी के नाम से वोट उम्मीदवार की बात करें तो उम्मीदवार अभी तय जैसे आपको पता है नहीं हुआ है लेकिन वोट मोदी के नाम से डलेगा और भी लोगों से बातचीत करते हैं क्या कहते हैं लोग लगता है सर चुनाव आने वाले हैं क्या लगता है चुनाव की बात करें बीजेपी कांग्रेस किसकी सरकार बन सकती है कांग्रेस की आएगी कांग्रेस उम्मीदवार का नाम कोई जैसे जेपी संपत सिंह अशोक मंगाली वाला नाम जो है सामने आ रहे हैं मंगाली वाला अशोक मंगाली वाला कौन हो सकता है सर अशोक मंगाली वाला चलिए हाँ जी अरे अशोक मंगाली वाला चलिए क्या लगता है अशोक की बात है
गोयल बीजेपी की बात करें, बीजेपी अभी जो सांसद है बिजेंद्र सिंह वो कांग्रेस में चले गए, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? एक तरफा हो जाएगी इलेक्शन और एक तरफा होगा इलेक्शन। बिजेंद्र तो पुराना खिलाड़ी है कांग्रेस का, अच्छा बीजेपी में चल गया तो कोई दिक्कत तो नहीं, एक नंबर काम होगा। क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? ना सही है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी है भाई साहब। और गांव की विकास की बात करें तो गांव का विकास में भी ठीक है, कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस टक्कर रहेगी या एक तरफा माहौल रहेगा? एक तरफा माहौल है जी, टक्कर टुक्कर ही होती, एक तरफ का माहौल रहेगा, अच्छा कांग्रेस का रहेगा। उम्मीदवार कोई भी हो, कोई कौन से उम्मीदवार हो ले, सांसद का मिल गया तो उसने दिवाओगे, और कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो क्लियर होगा कांग्रेस। कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहे कांग्रेस, क्या लगता है सर चुनाव की बात करें लोकसभा में? चलिए फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करेंगे, फिर अभी तक की माहौल की बात करें तो नाम सामने आ रहे बीजेपी कांग्रेस दोनों नाम सामने आ रहे, और भी लोगों से बातचीत करते हैं चुनाव में माहौल किस तरह से नजर आ रहे हैं? जी ना पूछ यार, मैं तो मेरे तो एक पीएम किसान 2000 रुपया रुक रही है भाई साहब, बयानी को लग रहा है किस्त रुकी खड़ी है। और गांव का विकास की बात करें किस तरह से हो रहा है? विकास तो बढ़िया हो रही है जी, बढ़िया हो रही है विकास। सेंटर में किसी आ सकती है, मोदी की कांग्रेस की? कांग्रेस मोदी सेंटर मोदी आओगे। और हिसार में लोकसभा में? हिसार में कैंडिडेट तो कौन रुको, जैसे बीजेपी की तरफ से नाम सामने आ रहे कुलदीप बिश्नोई, रणवीर गंगवा, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन भूपेंद्र, और कांग्रेस की तरफ से संपत सिंह, जयप्रकाश, अशोक मंगालीवाला, कुलदीप बिश्नोई को जोर है। कुलदीप बिश्नोई टक्कर रही है एक तरफा, टक्कर होगी, टक्कर रही है एक तरफा होगा, टक्कर होगी। किस किसकी होगी टक्कर? कुलदीप की, कुलदीप की। और जीतेगा कौन? जब मुझे जीतेगा कुलदीप। क्या लगता है सर टक्कर रहेगी एक तरफा रहेगा? टक्कर होगी भाई, कुलदीप की अपनी तो। कौन है? कुलदीप ही है। कुलदीप, अच्छा कुलदीप बिश्नोई। हाँ कुलदीप बिश्नोई अभी मौजूदा सांसद है बिजेंद्र सिंह, जो अभी कांग्रेस में शामिल होगी, कितना फर्क पड़ेगा भाई? ये बता सकता फुल ना भी के दोनों पास सही बो उसका भाई, ठीक है सर। क्या लगता है जी कौन बीजेपी कांग्रेस? कुलदीप नहीं जाओगा? कुलदीप ने किसको जाएगा सर वोट? बीजेपी, बीजेपी। नाम जो है सामने आ रहा है बीजेपी का, फिलहाल पूरे गांव की रिपोर्ट आपके सामने है, और जैसा कि लोगों ने बातचीत करी कुछ नाम ले रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, कुछ ले रहे हैं कांग्रेस का, फिलहाल अब टिकट देखते हैं किसको मिलते हैं। यहाँ की रिपोर्ट आपके सामने है, कमेंट करके बताइए क्या लगता है चुनाव में।